नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। 5 साल पहले लोगों ने जो सपना देखा था वह आज पूरा हो गया है। हरियाणा में पहली हवाई सेवा हिसार एयरपोर्ट से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत रीजनल कनेक्टिविटी के तहत इस सेवा का आगाज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली हवाई सेवा के तहत फ्लाइट उड़ी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ हिसार से लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह, विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता भी सवार हुए। पायलट सहित 7 सीटर इस विमान की रोजाना 2 समय हिसार से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिसार के लिए यात्रियों को सेवाएं मिलेगी। हिसार से चंडीगढ़ के लिए 1674 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीएम की सोच है कि हवाई यात्रा करने का सौभाग्य हवाई चप्पल पहनने वाले को भी मिलना चाहिए। उसी के तहत उड़ान स्कीम के तहत पहले चरण का आज आगाज हो गया है। आम आदमी भी चंडीगढ़ से हरियाणा का सफर तय कर सके, इसी के लिए 1674 रुपये का किराया होगा। कार लेकर चंडीगढ़ जाते हैं तो इतना खर्च तेल का भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ 4000 फीट का रनवे है, आगे 10000 फीट रनवे बनाने की योजना है। इसके लिए जमीन उपलब्ध करवा दी है। एनवायरमेंट की एनओसी का इंतजार है, उसके लिए एयरपोर्ट के अगले चरण का काम शुरू हो जाएगा। हिसार में हवाई सेवा शुरू हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रोजाना 2 फ्लाइट चंडीगढ़ आएगी और जाएगी, आगे चलकर हिसार से अन्य इलाकों में भी सेवा शुरू होगी। अभी ऑनलाइन बुकिंग का सर्टिफिकेट स्पाइस जेट को नहीं मिला है, यह अगले 7 दिन में मिल जाएगा। फिलहाल जनता की सेवा के लिए बुकिंग के लिए कॉल सेंटर बनाया जाएगा, यहां से यात्री बुकिंग करवा सकते हैं। फ्लाइट के समय की अगर बात करें तो हिसार से सुबह 8 बजे से और शाम को 4 बजे फ्लाइट चंडीगढ़ जाएगी, जबकि चंडीगढ़ से सुबह 9:30 बजे और एक फ्लाइट शाम के वक्त 5:30 बजे हिसार के लिए रवाना होगी। एयर शटल सर्विस का आगाज करने के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी किया। स्पाइस जेट के प्रोजेक्ट ऑफिसर मंजीत सिंह ने कहा कि अभी पायलट सहित 7 सीटर विमान की सेवा शुरू हुई है, नवंबर के बाद 18 सीटर से सेवाएं देंगे। यहां पर 10 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी आएंगे, जिनके जरिए 100 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 1 बेटी को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर का आगाज भी जल्द होगा, जिसमें हरियाणा के लोगों के लिए 10% सीटें आरक्षित होगी, साथ ही 50% की फीस में भी छूट मिलेगी। हरियाणा का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज मिली सौगात हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। जल्द दिल्ली से हिसार रेलवे का फास्ट ट्रैक भी बनाया जाएगा, ताकि 90 मिनट में सफर तय हो सके और दिल्ली के एयरपोर्ट का विकल्प हिसार एयरपोर्ट बन जाए। 5 साल पहले जो सपना शहर वासियों ने देखा था वह आज पूरा हो गया है। हिसार एयरपोर्ट से आज से चंडीगढ़ के लिए पहली उड़ान शुरू हो गई है। हिसार से चंडीगढ़ हवाई सेवा शुरू होने के बाद हिसार से चंडीगढ़ की दूरी महज 45 मिनट की रह जाएगी। इससे पहले चंडीगढ़ जाने के लिए सड़क निर्मार्ग से 5 घंटे का सफर तय करना होता था। हिसार से चंडीगढ़ के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है, महज 1450 किराया देकर चंडीगढ़ जा सकेंगे। स्पाइसजेट लिमिटेड के 7 सीटर विमान आज से रोजाना उड़ान भरेंगे। इसके अलावा स्पाइसजेट लिमिटेड की मदद से सरकार इस एयरपोर्ट पर FTO स्थापित करने जा रही है। शुरुआत में प्रतिवर्ष कम से कम 100 कैंडिडेट्स पायलट्स का प्रशिक्षण यहां से होगा। इसमें प्रदेश के विद्यार्थियों को कई सुविधाएं दी जाएंगी, जैसा कि 4 मेधावी लड़कियों को समस्त उड़ान प्रशिक्षण के लिए फीस में 50% की रियायत मिलेगी। हरियाणा के 10% विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस पर 50% छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त स्पाइसजेट 70% पायलट प्रशिक्षण के समावेश के साथ प्लेसमेंट भी सुनिश्चित करेगा। यह हिसार के साथ साथ पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उससे पहले टेलीफोन से कॉल सेंटर वो बना रहे अपना, उस टेलीफोन से रोजाना का टिकट जो है यहाँ वो देंगे। एडवांस बुकिंग का जो रेगुलर फ्लाइट का सिस्टम है वो 7 दिन के बाद शुरू करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। और जब ये क्लियरेंस मिल जाएगी उसके बाद ये फ्लाइट का रेगुलर एयरपोर्ट वेबसाइट पर भी आएगा और बुकिंग के लिए भी प्रारंभ होगा। अभी उसमें 7 दिन का समय लगेगा। डेली 2 बार यहाँ से, एक बार सुबह 8 बजे और दूसरी बार शाम को 4 बजे के आसपास, और ऐसे उधर से सुबह 9:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। ये 2 फ्लाइट जो है ना हिसार चंडीगढ़ चलेगा। अभी सिर्फ चंडीगढ़ के लिए कुछ दिन बाद आएंगे। हाँ, देखिए अभी तो चूंकि ये उड़ान की जो स्कीम है केंद्र सरकार
सरकार की, उसमें से कुछ रिबेट मिलने वाला है और कुछ रिबेट हम हरियाणा सरकार की ओर से दे रहे हैं। हिसार का और चंडीगढ़ का किराया एक साइड का भी 1674 रुपए ये रखा गया है और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से ये रेट्स जो है वो रिवाइज होंगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट पूरा रेट है फ्लाइट का वो 4000 समथिंग है। अभी उसमें दोनों स्टेट्स की जो सब्सिडी है उसको ध्यान में रखते हुए ये 1674 रुपये तय किया गया है। देखिए बहुत सी चीज़ें क्लियरेंस होती है, ट्रैफिक कितना पैसेंजर ट्रैफिक मिलता है और कैसे हमको यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जो कनेक्टिविटी हमारी बननी है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। फिर भी हमारी प्लान में जैसे एक बहुत बड़ा विषय है जो हिसार और दिल्ली का रेल कनेक्टिविटी है, इसको फास्ट ट्रैक रेल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना है। जब ये फास्ट ट्रैक रेल कनेक्टिविटी होगी तो बहुत पैसेंजर ऐसा है या बहुत ऐसे जहाज़ है जिनको दिल्ली में अभी स्पेस नहीं मिलता है, दिल्ली उतरने में भी उनको पार्किंग में दिक्कत है क्योंकि दिल्ली का एयरपोर्ट अपने आप में सैचुरेट हो चुका है। उसके बाद ये सारे अपने जो एयरलाइंस हैं वो अपनी सर्विसेज हिसाब से चालू करेंगे जब ये फैसिलिटी सारी होंगी। मैं समझता हूँ जैसे पहला फेज आज शुरू हो रहा है, अगले फेज में जब 10,000 की हमारा रनवे हो जाएगा तो बड़े प्लेन डोमेस्टिक और उसके बाद फिर इंटरनेशनल। देखिए आज हमारे साथ हमारे सांसद श्री विजेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, तो ये लोग हमारे साथ जा रहे हैं। कुछ हमारे जो एडिशन के अधिकारी हैं वो भी जा रहे हैं, बल्कि सवारियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो कुछ सवारियों को हमने कहा कि मेरा अपना प्लेन है। हरियाणा का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बना है कि जिस दिन हमने आज अपने ही जो हरियाणा की अपनी भूमि पर और उस एयरपोर्ट से आज रेगुलर फ्लाइट चलाने का एक कार्यक्रम तय किया और उसका भी उद्घाटन हो रहा है। अभी तक तो हम जो सेवाएं लेते हैं यह तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की लेते हैं और यह फिर दिल्ली एयरपोर्ट की लेते हैं। दोनों एयरपोर्ट ऐसे हैं जो हमारे अपने बाउंड्रीज पर हैं, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कभी कभी मैं कहता हूँ इट इज मोर नियर टू गुड़गांव देन टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से करते हैं तो गुड़गांव बहुत जल्दी आ जाता है। फिर भी हमारे अपनी लैंड के ऊपर आज पहला हिसार का एयरपोर्ट, यहाँ से रेगुलर फ्लाइट अभी हिसार से चंडीगढ़ शुरू हो गई है जो दिन सप्ताह में यानी दिन में 2 बार चलेगी और रेगुलर चलेगी। आगे चल करके इस एयरपोर्ट की इस सर्विसेज का और जो विस्तार होगा, यहाँ से जयपुर, हिसार से जम्मू, हिसार से देहरादून, तो इस प्रकार की रेगुलर फ्लाइट्स आगे परमिशन इसकी हो गई है, लेकिन कुछ दिन के बाद इसको शुरू करेंगे और एक कुछ महीने के बाद अभी तो ये जो एयर शटल है 7 सीटर है, बाद में 18 सीटर का जहाज यहाँ से चलाएंगे और अगले फेज में नेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स धीरे धीरे। अभी जो कि रनवे हमारा ये 4000 फुट का है और इस रनवे को 10,000 फुट बनाने की योजना है, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है। केवल एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस है वो आनी शेष है। अभी जो फ्लाइट चलेगी ये पिछली जो एनवायरमेंटल पुराने एयरपोर्ट की हमारी यहाँ के पहले की है, उसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के आधार के ऊपर आज की फ्लाइट शुरू हो रही है। तो आज इस अवसर के ऊपर मैं आप लोगों के माध्यम से हिसार की जनता को, हरियाणा की जनता को, आसपास के सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देखिए अभी स्पाइस जेट से हमारी बात हुई है तो उनका एक बुकिंग के लिए कोई एक प्रोसीजर होता है, वो उन्होंने अप्लाई किया है, उनको वो सर्टिफिकेट अभी 7 दिन बाद में भी। आखिर ये नेशनल हाईवे जो बने हैं ये हिसार में, यानी हिसार से या रोहतक से जो डबवाली की सड़क है इतने फास्ट टाइम में बनी है, इतने फास्ट टाइम के अंदर कोई रोड बना आपने देखा? हमें लोगों ने बधाइयाँ दी कि कितने फास्ट टाइम में बना है।
अभी जो कैथल से लेकर के राजगढ़, ये जो नेशनल हाईवे है, ये तो बराबर कंप्लीट है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं अभी बाकी है, तो चल रहा है। तो चलते हुए कामों में कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जैसी और आवश्यकताएं होंगी उसको भी पूरा करेंगे। हमने अध्यक्ष जी को कहा था, लेकिन अध्यक्ष जी के अपने कार्यक्रम कुछ बने हुए हैं, और फिर यहाँ से तो रेगुलर ही फ्लाइट चलनी है, और हिसार और टोहाना कोई दूर नहीं है, तो रेगुलर फ्लाइट में जब भी चाहेंगे तब इनका तो अधिकार है पूरा। सर, आपने लोकसभा चुनाव से पहले देखिए, अभी ही हमने 3 दिन पहले परिवार समृद्धि योजना ये लॉन्च कर दी है, और उसमें फार्म भरवाने शुरू कर दिए हैं। 2 फार्म भरे जाएंगे। पहला फार्म परिवार पहचान पत्र, हर एक को एक परिवार को पहचान पत्र दिया जा रहा है, जैसे व्यक्ति का आधार कार्ड होता है ऐसे फैमिली का फैमिली आईडी ये बनेगा। उसके तुरंत बाद जितनी भी योजनाएं हैं उसके अंदर जीवन ज्योति योजना है, उसके अंदर प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना है, उसके अंदर जो ये मानधन योजना है, चाहे वो किसान की है, चाहे श्रमयोगी की है, श्रमजीवी की है, या चाहे लघु व्यापारी की है, अभी 3 योजनाएं शुरू हो गई हैं। उसका जो आधा पैसा प्रीमियम का वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, आधा पैसा जिसका इंश्योरेंस होता है उसको देना पड़ता है, वो जो उसको देना पड़ता अब वो पैसा 6,000 रुपये की राशि में से हम देने वाले हैं। 330 रुपया साल का एक व्यक्ति का, 12 रुपया साल का एक व्यक्ति का, और आयु के हिसाब से 55 रुपये से लेकर के और 200 रुपया पर मंथ, ये उसी में से जाएगा। और फिर भी 6,000 में से अगर कोई पैसा बचता है तो वो पैसा उसके जनधन अकाउंट में सीधा जमा होगा, जब चाहे वो निकाल सकता है। तो जो योजना ने अपने हमारा था सेशन में, हमारा जो सेशन मैं उसी में कह रहा हूँ, उसी में जाएगा, उसी के अंदर जो उसको देना होता है वो अब हरियाणा सरकार के पैसे में से जाएगा। बात है कि क्योंकि पहले हमारी व्यवस्थाएं बनी नहीं थी, हमने परिवार पहचान पत्र बनाने की बात करी थी, वो अब बन रहे हैं, अब फार्म भर रहे हैं, और वो पैसा तो उनका पहली अप्रैल से ही वो 7% ब्याज जो है वो चालू हो जाता है, और 5% पेनल्टी चालू हो जाती है। तो चूंकि एक बार साइकिल टूटने से फिर वो लगातार उनके ऊपर वो बोझ बढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है वो किसान NPA हो जाता है। तो ऐसे जो डिफाल्टर होते हैं ऐसे लोगों को हम ये माफ़ी जो है इंटरेस्ट की और पेनल्टी की, अदरवाइज पैसा तो जितना उन्होंने लिया हुआ है उतना ही वापस करते हैं। इतना है कि उन्होंने रेगुलरली उसको रोटेट नहीं किया, और जो रेगुलर पे है उन्होंने रोटेट किया है, तो ये एक उनका डिफ़ॉल्ट होता है, उसके कारण से पड़ने वाला बोझ वो उनको माफ़ किया है। और वो लगभग 5,000 करोड़, 4,750 करोड़ एग्जैक्ट है, लेकिन मुझे लगता है इतना समय है उस कैलकुलेशन को हो गया है, अब जब फाइनल आंकड़ा आएगा मेरा अनुमान है कि 5,000 करोड़ होगा। इसमें जो मूलधन है, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो उनको देना ही होता है, वो माफ़ नहीं होता। आज सुनवाई हो रही है। हाँ देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार दोनों प्रदेश सरकारों के साथ बैठ करके म्यूचुअली कोई इसमें से रास्ता निकालें। अभी कोर्ट का अपना एक डायरेक्शन है, हमने उसके लिए ट्राई कर लिया, केंद्र सरकार ने भी हमको कहा, हमने कहा कि उसके अंदर समझौते में हमारे पानी के हिस्से के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें बनाने के अंदर कोई किसी प्रकार की कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार करता है, पंजाब सरकार करता है, हरियाणा सरकार करता है, या उसका टाइमिंग सेट करना है, जो कुछ है वो म्यूचुअली हो सकता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी कह दिया, हमने भी कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे वही फाइनल मानेंगे। अब म्यूचुअली मुझे लगता है कई बार मीटिंग हो चुकी है, अब उसका कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। देखिए भैया, जितना शहरों के ऊपर दबाव बन रहा है और जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है। आज जितनी चौड़ी सड़कें हुई हैं, 4 लेन सड़कें हो गई हैं, नेशनल हाईवे इतने बन गए हैं, अब आज से 15 साल पहले 20 साल पहले भी ट्रैफिक जाम होता था। आज हम देखते हैं बहुत कुछ फैसिलिटेट किया गया है, फिर भी बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव में हमेशा ये थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, और उसी अनुसार जैसे जैसे आवश्यकता महसूस होगी ये सारी चीज़ें और बनेंगी। कहीं फ्लाईओवर की आवश्यकता है, फ्लाईओवर बनेगा, कहीं अंडरपास की आवश्यकता है, अंडरपास बनेगी, कहीं सड़क का चौड़ाकरण वाइडनिंग करनी है तो वाइडनिंग होगी, 4 लेनिंग होगी। अभी आप देखते देखते पिछले 10 साल में
ये नया नेशनल हाईवे बन गया, जितना ये बाईपास जो है पूरा ये हिसार का बन गया, हिसार के अंदर के रोड वो सारे बने हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। कोई समय आप ये समझें कि सब चीज़ें इतनी बड़ी स्मूथ हो जाएंगी कि आगे सब इसी हिसाब से चालू करेंगे जब ये फैसिलिटी सारी होंगी। तो मैं समझता हूँ जिससे पहला फेज आज शुरू हो रहा है, अगले फेज में जब 10,000 की हमारा रनवे हो जाएगा तो बड़े प्लेन डोमेस्टिक और उसके बाद फिर इंटरनेशनल। देखिए आज हमारे साथ हमारे सांसद श्री विजेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, तो ये लोग हमारे साथ जा रहे हैं। कुछ सरकार हमारे जो एडिशन के अधिकारी हैं वो भी जा रहे हैं, बल्कि सवारियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो कुछ सवारियों को हमने कहा कि मेरा अपना प्लेन है तो उस प्लेन में चले जाएंगे। मेरी टिकट आज 1674 रुपये की है भाई, टिकट तो मैं दिखा दूँ बोर्ड के पास। मैंने बता दिया सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे हिसार से चलेगी, और ऐसी उधर से सुबह 9:30 बजे और 5:30 बजे वो चंडीगढ़ से चलेगी। आयुष्मान उसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्दी शेड्यूल टाइम में पूरी हो रही है उसमें। अभी तो देखो हमने आने के बाद उसका जमीन का पेमेंट किया है, एक्वायर की है, अब उसके ऊपर मिट्टी डल चुकी है, कहीं कहीं उसके ऊपर रेगुलर काम शुरू हो गया है, फ्लाई ओवर बन गए हैं। अब आप जाकर देख सकते हैं जो रनिंग काम के बाद तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का प्रश्न आना चाहिए। ₹5,000 करोड़ कहो भाई। देखिए जो नियमित तौर पर भरते हैं उनका भी ब्याज नहीं लगता है, वो ब्याज पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट का 4% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 3%, ये 7% ये गवर्नमेंट ही देती हैं, 0% इंटरेस्ट पर ही वापस करते हैं। इनका फॉल्ट इतना है कि ये समय पर अपना जो, क्योंकि उसमें साल में एक बार रीपेमेंट करनी पड़ती है और रीपेमेंट करने के बाद फिर वो नया अपने लोन लेते हैं, वो रेगुलर पेयर होते हैं। इनकी गलती इतनी हो जाती है कि ये साल में एक बार रेगुलर पे नहीं कर सकते, और जब पे नहीं करते तो अगले दिन से ही वो 7% ब्याज जो है वो चालू हो जाता है और 5% पेनल्टी चालू हो जाती है। तो चूंकि एक बार साइकिल टूटने से फिर वो लगातार उनके ऊपर वो बोझ बढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है वो किसान NPA हो जाता है। तो ऐसे जो डिफॉल्टर होते हैं ऐसे लोगों को हम ये JBD Banquets लाए हैं, Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।